नमस्कार दोस्तों, अभिवन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज्वालामुखी पढ़ेंगे। और ज्वालामुखी पढ़ना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे संबंधित रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और अगर ये टॉपिक आपके अगर समझ में आ गया है तो आपको चट्टानों वाला टॉपिक समझने की या याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस समझना अपने आप ही आ जाएगी। हमने पिछले वीडियो हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है, उनको इससे लिंक करने की कोशिश करते हैं। ज्वालामुखी का टॉपिक बहुत बड़ा है, कोशिश करेंगे इसमें एक या दो वीडियो में, दो वीडियो कम से कम बनेंगे इसमें समेटने की कोशिश करेंगे। देखो ज्वालामुखी में सबसे पहले हम लेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, क्या ये शब्द कहां से आया है। ये उसमें लेंगे कि इसमें निकलने वाले पदार्थ है वो गैस, तरल और ठोस पदार्थ है, उनमें कौन कौन से पदार्थ को किस किस नाम से जाना जाता है, जिसमें टेक्निकल टर्मोलॉजी है जो हमारी ज्योग्राफी की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर कहेंगे इसकी उत्पत्ति के कारण कौन कौन से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, रेडियो एक्टिव हॉटस्पॉट और वो। उसके बाद वाला अगला टॉपिक होगा हमारा टाइप, ये कितने प्रकार की होती है, स्फोटकता के आधार पर है, इसका सक्रियता के आधार पर है, इसमें जो रासायनिक तत्व है उसके आधार पर और इसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, चार प्रकार हम वोल्केनो के इसमें लेंगे। फिर लेंगे कि इसकी स्थलाकृतियां बनती है, क्योंकि हमें मैं पहले भी कह चुका हूं कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम स्थल रूप पे बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। अब इसके लिए करना पड़ेगा वो पदार्थ कहां से आता है, तो स्थलाकृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर बार आप देखना इसकी जो आंतरिक अभ्यांतरिक जो स्थलाकृतियां हैं, बैथोलिथ, फेकोलिथ, लेकोलिथ, उनमें से क्वेश्चन बनता है, उनकी आकृति को लेकर यहां पर अध्ययन करेंगे। बाहरी स्थलाकृतियां जिसमें सिंडर है, शंकु है, प्रीपोसी शंकु है, वो सारी स्थलाकृतियां इसमें लेंगे। फिर पढ़ेंगे कि इसका वितरण कहां कहां पर है, इसका कौन से क्षेत्र में ये ज्वालामुखी क्रियाएं सर्वाधिक होती है, फिर इसका प्रभाव, लाभ और हानि दोनों प्रभावों को उसके यहां पर चर्चा की जाएगी। अब बात करते हैं ज्वालामुखी। देखो ज्वालामुखी दोस्तों, ज्वालामुखी का ये मतलब नहीं है कि लावा सतह पर प्रकट हो रहा है, वो ज्वालामुखी है। जो मैग्मा के निर्माण से लेकर भू सतह पर प्रकट होने तक की संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो ज्वालामुखीयता कहलाती है, वोल्केनिज्म कहलाती है। ये आप इसमें लिख लेना, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। और ज्वालामुखी इसलिए कहते हैं कि ऐसा मुख जिससे ज्वाला निकलती है उसको ज्वालामुखी कहते हैं। इसके लिए वर्सेस्टर नाम लिख लेना, वर्सेस्टर महोदय है, उन्होंने इटली का एक पर्वत है वहां पर वोल्केनो पर्वत, और वहां पर अक्सर ऐसी घटना होती है कि वहां मुख से ज्वाला निकलती है, तो उसमें होने वाली घटना को समानांतर रखते हुए इन्होंने कहा कि ये वोल्केनो के नाम पर इसको वोल्केनिज्म कह दिया है। किसने कहा, वर्सेस्टर ने। ये आप लिख लें। देखो कई बार चीजें समान लिंक करके भी याद करनी पड़ती है, इसको इन्होंने समझा कि ऐसी घटना होती है, यहां हो रही है, उसके आधार पर क्या कर दिया, वोल्केनो कह दिया कि वोल्केनो पे होती है, इसलिए वोल्केनिज्म इस प्रकार, और इस प्रकार से शब्द प्रचलन में आ गया है। अब हमारे भारत में क्या कहते थे, ज्वाला है मुख से निकल रही है तो ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी और वोल्केनो दोनों समानांतर शब्द है, एक ही घटना के लिए कह रहे थे, तो इस प्रकार दोनों शब्दों को अब हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं, इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं। जिस प्रकार से एक ही जानवर है वो अगर अंग्रेजों के पास है, वो हमारे पास है, तो अंग्रेज उसको बफेलो कह रहे हैं, हम उसको भैंस कह रहे हैं, तुमने सोचा दोनों सेम है, तो बफेलो हिंदी में भैंस, तो उसी प्रकार से ये भी इसका समानांतर शब्द है। ये बात हो गई इसमें। इसलिए क्या करती है कि पृथ्वी का जो सेफ्टी वॉल्व होता है, सेफ्टी वॉल्व ज्वालामुखी को कहते हैं, पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व, क्योंकि पृथ्वी अगर ये तापमान संचयन के कारण ये लावा बाहर नहीं निकल जाए तो पृथ्वी फट सकती है, तो इसमें से ये जो उद्गार होता है उसमें जो अंदर बाफ जो भी अतिरिक्त लावा होता है वो बाहर निकल जाता है, तो सेफ्टी वॉल्व का कार्य करता है। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है, इमरजेंसी वो फट जाता है तो वहां से वो प्रेशर कुकर में जो कुकर को फटने से बचा देता है, वो वॉल्व टूट के, तो ये बहुत जरूरी है। अब आप इसको यूं भी याद कर सकते हैं कि जो आपका कुकर है, प्रेशर कुकर, उसमें सबसे पहले क्या निकलती है, गैस, सीटी मारता तो उसमें से गैस निकलती है, तो ज्वालामुखी के उद्गार में सर्वप्रथम गैस निकलती है। उसके बाद अगर आप फिर भी वो नहीं करो बंद, तो उसमें से आप कई बार देखना कुकर में से गैस के साथ में कुछ उसके साथ दाल वगैरह जो भी वो भी बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो उसके बाद में से उसके अंदर तरल पदार्थ जो लिक्विड जैसा पदार्थ होता है वो है, उसमें से फिर दाल वगैरह तरल, ऐसे आप याद कर सकते हैं, पहले गैस निकलती है, फिर तरल और फिर ठोस ज्वालामुखी में पदार्थ निकलते हैं। तो पृथ्वी सेफ्टी वॉल्व हो गया हमारा। अब हम जो इसका जो आगे लेंगे वो पदार्थों को लेंगे कि ये कौन कौन से पदार्थ इसमें निकलते हैं। तो सबसे पहला पदार्थ हम लेंगे इसमें गैस,
उसके बाद में मैंने अभी बताया उसके बाद में कौन सा पदार्थ निकलता है, उसके बाद निकलता है तरल और उसके बाद निकलता है ठोस। तो अब हम बात करते हैं गैस पदार्थों में। देखो गैस पदार्थ है उसमें सर्वाधिक जो निकलता है वो निकलता है जलवाष्प। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जलवाष्प गैसीय रूप है जल का, उसको गैस ही मानते हैं जलवाष्प को। तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान सर्वाधिक जो मात्रा में जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है, तो आपको एक ही आंसर लेना है वहां पर जलवाष्प। इसके अलावा यहां पर CO2, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें भी इसमें, नाइट्रोजन ऐसी गैसें भी इसमें निकलती है। और जब ज्वालामुखी शांत हो जाती है तो लास्ट में धीरे धीरे इसमें गैस निकलती है, वो भी इसकी शांत अवस्था का सूचक होती है, जिसको हम कहते हैं फ्यूमेरोल। ज्वालामुखी की शांत होने की जो दशा होती है उसमें जो गैसें निकलती है उनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, फ्यूमेरोल, धुमारे, वो कहलाते हैं धुमारे। और धुमारों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है अलास्का की कटमई नेशनल पार्क है, वहां पर कटमई पहाड़ी है, वहां कटमई नेशनल पार्क में है, वहां 10 सहस्त्र धुओं की घाटी वहां प्रसिद्ध है, जिसको अपन ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स के नाम से जाना जाते हैं। वो फ्यूमेरोल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है अलास्का की कटमई पहाड़ी का। अब ये डिपेंड करता है कि फ्यूमेरोल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है, उस गैस की मात्रा के आधार पर इसको अलग अलग नाम से, अगर इसी में CO2 की अधिकता है तो उसको हम कहेंगे मोफेटस। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जब लास्ट में गैस निकलती है उस गैस में CO2 की मात्रा सर्वाधिक होती है तो ऐसी गैस को हम मोफेटस कहते हैं। फिर अगर इसमें सल्फर या गंधक की मात्रा सर्वाधिक है गैस में तो उसको कहते हैं सल्फतारा, उसको कहेंगे सल्फतारा। अगर उसी गैस में बोरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक है तो उसी को कहेंगे सेफियोनी। ये हमारी गैस से संबंधित याद हो गया है, हम गैस से रिलेटेड हो गए कि गैस में सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है, उसके बाद में CO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, और उसमें जो लास्ट में जो ये स्टार्टिंग में गैस निकलती है और लास्ट में भी ज्वालामुखी में गैस निकलती है, जब सारी चीज प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, ज्वालामुखी शांत होने की दशा में आ जाती है, उस कंडीशन में लास्ट में गैस लगती है तो उस गैस को सामूहिक रूप से हम फ्यूमेरोल कहते हैं, हिंदी में उसको धुआरे कहते हैं। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है अलास्का, जो है अलास्का एक स्टेट है यूएसए का, यूएसए के 50 स्टेट है जिसमें से 48 मुख्य धरती संबंधित, दो अलग है, एक तो अलास्का कनाडा के इधर है और एक हवाई द्वीप, और उसका सबसे सटीक उदाहरण दिया हमने 10 सहस्त्र धुओं की घाटी ए वैली ऑफ 1000 स्मोक्स जो वहां पर है वो है, उसमें फ्यूमेरोल पे डिपेंड करता है, उसमें CO2 निकलती है तो उसको मोफेटस कहते हैं, उसमें सल्फर निकलती है तो उसे सल्फतारा कहते हैं, उसमें बोरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है तो उसको हम सेफियोनी कहते हैं। ये इस प्रकार हमारा गैसीय पार्ट और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं कि जो तरल या लिक्विड निकलता है उसमें दो चीज निकलती है, एक तो इसमें निकलती है गर्म जल और एक निकलता है लावा। लावा भी लिक्विड रूप में रहता है, लिक्विड फॉर्म होती है वो। तो अब बात करते हैं जल, गर्म जल में क्या निकलता है, गर्म जल या तो निकलेगा महासागरों में या फिर वो निकलेगा स्थल पे, दो जगह निकलता है, या तो ज्वालामुखी क्रिया महासागर में हो रही है या फिर स्थल पे होगी। तो अगर महासागरों में निकलता है उसे हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट। सतत रूप से
महासागरों में ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाला गर्म जल जो सागर के आसपास के पानी से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक होता है, ऐसे जल को हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं, हिंदी में उष्णोत जल कहते हैं इसको। तो आप ये याद कर लो, हाइड्रोथर्मल वेंट। ऐसे सतत रूप से जब कहां पर महासागरों में नहीं, उस स्थल पे या महाद्वीप में होता है तो उसे उष्णोत कहते हैं, हॉट स्प्रिंग, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग कहते हैं उष्णोत। तो इस प्रकार ये हो गया आगे। कभी कभी क्या होता है, पानी विराम सह विराम या रुक रुक के होता है तो उसको कहते हैं गेसर, उसको कहते हैं क्या, गेसर, जिसमें पानी रुक रुक के निकलता है, सतत रूप से निकलेगा हाइड्रोथर्मल वेंट महासागरों में या जलीय स्रोतों में, स्थल पे निकलता है उसमें हॉट स्प्रिंग, क्या कहते हैं उसको, हॉट स्प्रिंग या गेसर कहते हैं। ये हमारा गैस वाले पार्ट में ये चीज निकलती है। अब हम आते हैं द्रव या तरल पदार्थों में, तरल पदार्थ के सेकेंड पार्ट में जिसका नाम है लावा। गर्म जल हो गया, अब कहते हैं लावा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि लावा समझ लिया चट्टाने समझ में आ जाएगी आपकी अपने आप ही। देखो लावा है, लावा कब निकलता है, लावा धरातल से निकलने वाले मैग्मा का बाहरी रूप होता है, आंतरिक चट्टानों में या पृथ्वी की प्रपट्टि के नीचे उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मैग्मा, और जैसे वो मैग्मा सतह पे प्रकट होता है उसको हम कहते हैं लावा। मैग्मा बनता किससे, कल बताया मैंने लास्ट वाले पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट जो चट्टान होती है, पेरिडोटाइट चट्टान के पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है, ये लिख लेना आपको, ये अगर हो सकता है नई जानकारी मिली है तो, और आपको पता है तो कोई जरूरत नहीं है। पेरिडोटाइट चट्टान ऐसी चट्टान जिसमें सिलिका की मात्रा 40% से कम होती है, ये जब चट्टाने पढ़ोगे वहां आएगी, सिलिका की मात्रा कम मतलब इसमें ये पतला लावा होता है, तो ऐसी चट्टान, तो ये क्या होता है, ये चट्टान में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, ये पिघलती है तापमान के कारण, और ये तापमान कहां से आता है, रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण, रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से तापमान का संचयन होता है, उससे वहां चट्टान होती है पेरिडोटाइट, वो पिघलती मैग्मा बनता है। अब एक पेरिडोटाइट चट्टान में मैग्मा बनता है वो दो कारण से बनता है, या तो तापमान, ताप का उच्च होना, तापमान ज्यादा होगा तो चट्टाने पिघलेगी और वो चट्टाने मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है, या दूसरा कारण है दाब मुक्त या दाब की कमी, जब दाब की कमी होती है तब भी ये मिलता है। मैंने आंतरिक चट्टान देखा, मैंने कहा था कि जब पृथ्वी की ऊपरी परतों का भार होता है उसी के कारण पृथ्वी की आंतरिक सतह की जो चट्टान है वो ठोस जैसा व्यवहार करती है, जैसे ऊपरी परतों का दबाव किसी दरार या ब्रश के कारण हट जाएगा तो वो नीचे की चट्टाने लिक्विड अवस्था में आ जाएगी, ठीक उसी प्रकार से चट्टाने या तो तापमान के कारण पिघलेगी या फिर ऊपरी जो परतें हैं उसका भाग हट जाएगा तो नीचे वाले परतों में अपने आप ही वो क्या करती है, तापमान के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। हालांकि आंतरिक परतों में तापमान अधिक है लेकिन फिर भी ऊपरी परतों के दबाव के कारण वो चीजें है, वो क्या है, ठोस अवस्था में रहती है। तो मैग्मा की उत्पत्ति दो कारणों से होती है, या तो तापमान ज्यादा होगा या फिर ऊपरी परतों का तापमान हट जाएगा, तो इस प्रकार से मैग्मा हो गया है, मैग्मा बनता है। अब देखो इसमें, अब कहते हैं कि मैग्मा दो प्रकार का होता है, सिलिका के आधार पर और रासायनिक आधार पर। सिलिका के आधार पर दो प्रकार का होता है, जिसमें एक में होती है सिलिका कम और एक में होती है सिलिका ज्यादा। जिसमें सिलिका कम होगा उसे कहते हैं अम्लीय लावा, सॉरी जिसमें ज्यादा होगा उसको कहते हैं अम्लीय लावा। जिसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, उसको कहते हैं अम्लीय, और जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी उसे कहेंगे क्षारीय या एसिडिक लावा। इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा लावा जिसमें 40% से अधिक सिलिका की मात्रा हो, लावा निकल रहा है उस लावे में 40% से अधिक सिलिका की मात्रा हो वो कहलाएगा अम्लीय लावा। ऐसा लावा जिसमें 40% से कम सिलिका की मात्रा हो वो कहलाएगा क्षारीय लावा। अब इन दोनों अम्लीय लावा को कहते हैं, अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा है। कोई भी आप कीचड़ बनाओ एक तरह से,
और उसमें मिट्टी ज्यादा डालो, सिलिका मतलब मिट्टी समझो, मिट्टी ज्यादा ज्यादा होगी तो कीचड़ गाढ़ा होगा या पतला होगा आपको पता है, अफकोर्स वो क्या होगा गाढ़ा लावा होगा। तो अम्लीय लावा क्या होता है, गाढ़ा लावा होता है। सिलिका और एल्यूमिनियम का घनत्व कम होता है अर्थात ये हल्का होता है, सिलिका हल्की होगी तो इसलिए क्या होता है ये गाढ़ा तो होता है लेकिन इसका वजन कम होता है, हल्का है। गाढ़ा होगा जब ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद जो गाढ़ा होगा तो कम फैलेगा और एक ढेर के रूप में जमा हो जाएगा, तो इससे क्या बनते पर्वत। आपको पता है जब भू संतुलन पढ़ोगे तो आइसोस्टेसी पढ़ोगे तो हम कहेंगे पर्वतों का घनत्व कम, पठारों का घनत्व ज्यादा और मैदानों का घनत्व उससे ज्यादा होता है, क्योंकि वो जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व, क्योंकि ये क्यों बन रहा है क्योंकि अम्लीय लावा से बने हुए हैं उनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है इसीलिए वो हल्के हैं, ये समझने की कोशिश करना। तो ये सिलिका गाढ़ा हो गया, हल्का हो गया, इसमें पर्वत बनते हैं। ये क्या है, जल्दी फैलता नहीं है, मतलब इसमें शांता उच्च होती है, उच्च का मतलब पदार्थ का वह गुण जो उसको फैलने से रोकता है, तो उसको फैलने से रोकता है क्योंकि गाढ़ा है तो इसमें उच्च शांता पाई जाती है। तो आप लोग इसको समझ लें, इससे पर्वत बनते हैं ये होता है, ये इसकी विशेषताएं होगी गाढ़े लावे की, सिलिका की मात्रा ज्यादा है। अब इस लावा को जो एक हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप में इस लावा को आह लावा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको आह लावा कहते हैं। ये लावा जैसे प्रकट होता है खंडों के रूप में जमता है, ब्लॉक के रूप में जमता है, इसलिए इसको खंड लावा भी कहते हैं, खंड या ब्लॉक लावा भी कहा जाता है किसको, अम्लीय लावा को। इस प्रकार ये अम्लीय लावा की विशेषता होगी कि ये गाढ़ा होता है, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, सिलिका की मात्रा कम घनत्व का होता है इसलिए वजन कम होता है, ये पीला रंग का होता है, इसमें इससे पर्वत बनते हैं, इसमें उच्च शांता पाई जाती है, ये हवाई द्वीप में इसको आहा कहते हैं, इससे ब्लॉक खंडों के रूप में जम जाता है इसलिए इसको खंड लावा भी कहते हैं। अब इस जो है जो अपना अम्लीय लावा है, उस अम्लीय लावा को अगर आप लिखना चाहें लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मिटाने वाला हूं उसको मैं। इसमें क्या होता है कि इस अम्लीय लावा को भी सिलिका की मात्रा के आधार पर पुनः तीन भागों में बांटा गया है, ट्रायोलाइट, एंडेसाइट और तीसरा है बेसाल्ट। इसमें थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना, देखो ऐसा लावा जिसमें 65 से 75% सिलिका की मात्रा हो वो कहलाएगा रायोलाइट लावा, जिसमें 55 से 65 के बीच सिलिका की मात्रा हो वो कहलाएगा एंडेसाइट, और जिसमें 45 से ऊपर लेकिन इससे कम होती है वो कहलाता है बेसाल्ट लावा। जबकि क्षारीय लावा भी बेसाल्टिक लावा ही कहते हैं कि उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, तुलनात्मक रूप से कम होती है इसलिए इसको भी कह देते हैं, लेकिन सिलिका की मात्रा बेसाल्ट में 45% से कम नहीं होती है, हाँ 40% से कम होती है वो पेरुटाइट होता है। पेरुटाइट धरातल पे आते आते उसमें क्या है कि ऊपरी परतों की जो सिलिका मिलती है उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, यहां से वो कम ही आता है, यहां से सिलिका है नहीं कम है, लेकिन जब ऊपरी परतों को आएगा तो यहां पिघला था परतों को, तो वो परतों की सिलिका मिलने के कारण उत्तर आते आते वो 40% की होती है, वो 45% से ऊपर पहुंच जाता है और वहां बेसाल्ट की चट्टान का रूप ले लेता है। ये चट्टाने बन गए आंतरिक, यही आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टाने क्या होती है, लावा के जमा होने से बनने वाली प्रारंभिक चट्टाने आग्नेय चट्टान कहलाती है। तो रायलाइट भी आग्नेय चट्टान है, एंडेसाइट भी आग्नेय चट्टान है और बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है। अब इसमें क्या होता है कि जो रायोलाइट है इसका आंतरिक रूप तो होता है ग्रेनाइट, रायोलाइट का आंतरिक रूप क्या है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टान जो होती है बाहर निकलेगा वो रायोलाइट चट्टान हो जाती है। एंडेसाइट है इसका आंतरिक रूप है डायोराइट, एंडेसाइट का बाहरी रूप एंडेसाइट है और उसका आंतरिक रूप है डायोराइट, बेसाल्ट है उसका आंतरिक रूप है गेब्रो।
इस प्रकार से कितनी चट्टानें हो गई हमारी, ये सारे के सारे नाम है, ये आग्नेय चट्टानों उदाहरण याद करना। आग्नेय चट्टानों में ये है, आग्नेय चट्टान कौन सी है, रेडलाइट भी आग्नेय चट्टान है, एंडेसाइट भी आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान है, डायराइट आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है, गेब्रो आग्नेय चट्टान है, इसके किस प्रकार से परिवर्तन होगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि अब जैसे आपको पूछे निम्न में से किस आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा सर्वाधिक है, आंतरिक भाग में ग्रेनाइट में ज्यादा है और ये, और आपको पता ग्रेनाइट सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें रेवेदार चट्टान है ये, तो आप इन चीजों को जोड़ने की कोशिश करोगे तो ही भूगोल आपकी आसान हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा अम्लीय लावा। अब बात करते हैं हम क्षारीय लावा की। ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा 40% से अधिक हो वो लावा क्या होगा, बेसाल्टिक लावा। इस लावा में जो तत्व होते हैं वो मैग्नीशियम और लोहा जैसे तत्व उच्च घनत्व के तत्व पाए जाते हैं। ये नीचे वाली अम्लीय लावा ऊपरी परत से संबंधित है, जिसको मोटा मोटा कह सकते हैं क्रस्ट या मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल पूरा मान लो इसको, मेंटल वाला जो पूरा भाग है वो है क्षारीय। यहां से आएगा तो इसमें क्या सिलिका कम होती है, सिलिका ऊपरी भाग में होती है। सियाल परत मान लो इसको, सियाल से संबंधित मानो इसको, सीमा परत से संबंधित मान लो। तो इसलिए मैग्नीशियम और लोहा जैसे उच्च घनत्व वाले तत्व है तो स्वाभाविक जैसे उच्च घनत्व वाले तत्व होगा तो इसका क्या होगा, भार ज्यादा होगा। तो ये क्या होता है, भारी होता है और गाढ़े रंग का होता है, काला होता है। वैसा इसमें क्या है, सिलिका की मात्रा कम होगी तो ये लावा पतला होता है। क्या होगा, पतला होगा तो ये जैसे ही ऊपर आएगा फैल जाएगा, तो फैलने से इससे पर्वत नहीं बनते, इससे क्या बनते हैं, ट्रैप बनते हैं। ट्रैप जैसे हमारा ढक्कन का ट्रैप है, या हम ये कह सकते हैं इससे पठार बनेंगे, लावा पठार इससे बनते हैं, इसमें सिलिका की मात्रा कम है। अब ये क्या है, इसको हवाई द्वीप में, उसको अम्लीय लावा को आहा कहते, हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप में इसको होय कहते हैं। ये लावा क्या होता है, पतला होता है तो फैलता है, तो आगे जाके कई बार तकिया की तरह फोल्ड हो जाता है, तो उसको तकिया लावा, पीलो लावा भी कहते हैं, तकिया लावा या पीलो लावा, पीलो कहते हैं इंग्लिश में, लावा भी इसी को कहते हैं, क्षारीय लावा को ही कहते हैं। अब ये सारी लावा जब सतह पे प्रकट होगा तो जल्दी से फैल जाता है, जैसे हमने लिया ढक्कन का ट्रेप, तो ये जो पठार होते हैं तो उसमें क्या है, मैग्नीशियम लोहे के तत्व काला, तो जब भी यहां की चट्टानों में अपरदन अपक्षय होगा, जो टूटेगी चट्टाने, तो यहां से काली मिट्टी बनती है। और काली मिट्टी में क्यों है, क्योंकि वहां पर लोहे के तत्व है, तो जहां जहां पर काली मिट्टी का क्षेत्र है आप रिलेट कर लेना, वहां पर हमें लोहे के अवशेष पाए जाएंगे, लोहे के खनिज वहां मिलते हैं, लोहा खनिज वहां मिलते हैं, चिकमंगलूर की पहाड़ियां हैं अपने कर्नाटक में। तो आप देखना ये सारा का सारा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, वो इस बेसाल्टिक पठार भी बोल सकते हैं, बेसाल्टिक लावा से बना है, इसीलिए वहां पर लोहे के निक्षेप सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका तरल वाला भाग ले लिया है, जिसमें हमने पढ़ा इसके लावा कितने प्रकार का होता है वो। अब हम पढ़ेंगे लावा का, जो सिलिका के आधार पर दो प्रकार हो गए, अब पढ़ेंगे रासायनिक आधार पर लावा का टाइप, लावा कितने प्रकार का होता है रासायनिक आधार पर। देखो दोस्तों, रासायनिक आधार पर लावे को हम बांट सकते हैं तीन भागों में, फैल्सिक लावा, मैफिक लावा और अल्ट्रा मैफिक लावा। कितने भाग ले रहे हैं इसके, तीन भाग रासायनिक आधार पर। सिलिका के आधार पर दो प्रकार का था, अम्लीय और क्षारीय। अब आते हैं रासायनिक पे, रासायनिक पे होता है ये फैल्सिक लावा, फैल्सिक। दूसरा था इसका मैफिक, और तीसरा है प्रकार अल्ट्रा मैफिक। फैल्सिक लावा होता है जिसमें सिलिका प्रधान, आपको पता है फैल्सिक सिलिका प्रधान, जो इसमें फेल्सपार और क्वार्टर्स खनिज पाए जाते हैं, सिलिका प्रधान होता है। हम लिख देते हैं इसमें यहां पर
सिलिका प्रधान जो खनिज होते हैं या चट्टानें जो फेस पार और क्वार्टर्स प्रकार की इसमें पाई जाती है। अगर इसके चट्टानों के उदाहरण लेंगे तो इसमें ले सकते हैं अपन ग्रेनाइट आंतरिक रूप में, बाह्य में कौन सा होगा रायोलाइट। तो आप इन दोनों को चिपका के याद कर सकते हैं कि राय हमेशा ग्रेट होनी चाहिए, राय कैसी हो ग्रेट। तो राय रायोलाइट और ग्रेनाइट आपस में एक दूसरे को याद कर लो ताकि रायोलाइट तो बाहर की है ग्रेनाइट अंदर में। मेफिक लावा जिसमें आपको पता लग रहा है इसमें में से मैग्नीशियम और फेरियम मतलब इसमें लोहा, तो मैग्नीशियम और लोहा तत्वों की प्रधानता वाले इसमें चट्टाने इसमें पाई जाती है मेफिक में। जिसके अगर बात करें ये खनिज है तो इसमें जो खनिज मिलेंगे वो है पेरोटाइट ऑलविन और एम्फी बॉल्स। पेरोटाइट ऑलविन एम्फी बॉल्स ये क्या है, इसमें चट्टाने हैं जो पाई जाती है, पायरोक्लास्ट भी लिखवा जाएगा इस पे, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ये चट्टाने तत्व कौन से हैं, ये खनिज कौन से हैं ये, और इसकी जो चट्टाने बनेगी वो बनेगी बेसाल्ट। जैसे जहां लोहा आ जाए ना लोहा और मैग्नीशियम तो वहां आपको बेसाल्ट बना देनी है, जहां सिलिका आ जाए सिलिका की मात्रा ज्यादा हो जाए वहां पर आपको ग्रेनाइट और रायोलाइट बना देनी चाहिए, ठीक है। तो बेसाल्ट, बेसाल्ट का मैंने आंतरिक रूप क्या बताया था गेब्रो, गेब्रो याद करो गे ग्रे, ग्रे से ग्रेबो हो जाएगा और आगे आ रहा तो बैसे बेसाल्ट हो जाएगा, इन दोनों को चिपका के ऐसे याद कर सकते हैं। फिर होता है अल्ट्रामेफिक, मतलब इन दोनों के बीच का, इन दोनों के ट्रांजेक्शन वाला होगा वो होगा अल्ट्रामेफिक। अल्ट्रामेफिक लावा होता है उसमें इन दोनों के मिले जुले तत्व होंगे और इसमें जो चट्टान होगी वो चट्टाने इसमें होती है, जो भी आपने इसके बीच वाला भाग बच गया ना भाई, आपने लिया था सिलिका की सर्वाधिक मात्रा के आधार पर तो ये थे, उसके बाद सबसे कम मात्रा पे ये थे और बीच वाली मात्रा पे थे वो थे एंडेसाइट और एंडेसाइट और क्या था डायोराइट, डायोराइट। जब आपने बालों का वाइट एंड हो जाता है तो हम क्या करते हैं डाई करता है, तो डाई को एंडे को आप ऐसे चिपका के याद कर सकते हो। इस प्रकार से रासायनिक वर्गीकरण में तीन भाग लिए, जिसमें लिया आपने पहला फेल्सिक लावा, फेल्सिक लावा के साथ साथ हमने इसमें लिया मेफिक लावा जिसमें कौन कौन से खनिज चट्टानों के बारे में बताया और अल्ट्रामेफिक में एंडेसाइट और डायराइट के बारे में पढ़ा। तो ये तो हो गया हमारे इसमें किसकी बात कर रहे थे अपन धर्म में। अब आते हैं ठोस पदार्थ कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसके ज्वालामुखी उद्गार में निकलने वाले ठोस चट्टान टुकड़े होते हैं उसको पायरोक्लास्ट कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े जो कठोर होते हैं उनको हम कहते हैं पायरोक्लास्ट। इसमें एक होता है प्यूमिस जिसको झामक कहते हैं। प्यूमिस क्या होता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो झाग होते हैं, तो झागों के सहित ही झाग उस चट्टान के अंदर ही सहित ही जम जाते हैं, तो झागों सहित जमने वाली चट्टान होती है वो होती है प्यूमिस या झामक। तो ये क्या होती है हल्की होती है खोखली होती है, इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसको अगर जल पे फेंक देंगे तो ये चट्टानी टुकड़े उस जल पे तैरते रहते हैं। तो हम इसको लिंक कर सकते हैं नल और नील ने जब वो लंका जा रहे थे तो उन्होंने जो चट्टानी फेंकी थी वो शायद इसी प्रकार की चट्टानी थी, इसलिए वो जल पे तैर रही थी। फिर होता है स्कोरिया जिसको कहते हैं अवस्कर। स्कोरिया प्यूमिस की तुलना में थोड़ी भारी होती है, छोटे चट्टान टुकड़े होते हैं लेकिन इनका जल के घनत्व से ज्यादा घनत्व होता है इसलिए आसानी से जल में डूब जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो निकलते हैं वो पदार्थ है ज्वालामुखी धूल, ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी लेपिली और ज्वालामुखी बम। सबके आगे ज्वालामुखी लगा लो, इसमें लेपिली कर लो, ज्वालामुखी धूल, ज्वालामुखी राख, लेपिली और बम, इनके याद करने का तरीका जो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको कहते हैं ज्वालामुखी धूल। ज्वालामुखी धूल की तुलना में छोटे मोटे
होते हैं उनको राख। कई बार आता है क्रमशः छोटे से बड़े और जमाइए, तो आप इनको जमाने के लिए, और उससे बड़े होते हैं वो चने या अखरोट के दाने के समान जो चट्टानी टुकड़े होते हैं वो होते हैं लेपिली। हाथ गोले ग्रेनेड जो भी निकलते हैं, जब ज्वालामुखी नावा निकलता है तो लिक्विड निकलता है, लेकिन जब वो अचानक ऊपर से जमकर फिर ठोस रूप में आकर गिरता है छोटे छोटे हाथ गोले के गोले समान, उसको कहते हैं ज्वालामुखी बम। तो ये इसलिए करती है, इसमें निकलती है ज्वालामुखी धूल और राख को सम्मिलित रूप से, जब ये राख और धूल आपस में चिपट के एक हो जाती है तो उसको कहते हैं टफ। ज्वालामुखी धूल और राख का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? टफ। और ये टफ जब लेपिली लेपिली के चारों ओर लिपट जाता है, लेपिली जो चट्टान है उसके चारों ओर, तो उसको कहते हैं ब्रेशिया। ब्रेशिया इसको कई जगह ब्रेशिया भी कर देते हैं। तो ये चट्टानी हो गई, तो ब्रेशिया जो ज्वालामुखी धूल इनसे बड़ा रूप हो गया टफ। टफ अगर लेपिली के चारों तरफ लिपटता है तो वो होता है ब्रेशिया। तो इस प्रकार ये हमारे जो मुख्य मुख्य है ठोस पदार्थ निकलने वाले हैं उनको हमने इसमें ले लिया है। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के कारण, जो कि हमारे अगले वीडियो होगा उसमें होगा। आपको पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो आप इसमें डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी आपको लगे वैसा करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हम तो चाहेंगे यही।